देखो सिलेक्शन लेना या कहें सफलता कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की मैं बात करूं तो ये 1 से 2 साल की कड़ी तपस्या होती है, आप ऐसे समझ लो। मतलब मेरी नजर में ये होता है कि 2 वर्ष 2 इयर्स, ये 2 साल की एक कड़ी तपस्या है। आपको बहुत ऐसी चीजें, बहुत ऐसे क्षण आएंगे जब आपका मन जो है करेगा कि इस तरफ चले जाएं क्या, है ना। शादियां आ जाएंगी दोस्त यार की, रिश्तेदारों की, घर परिवार की, कई ऐसे फंक्शंस होंगे, कई जीवन में से भटकाव आएंगे, कई चीजें होंगी। लेकिन आपको ये समझना है कि आप आने वाले समय में अपने आप को कहां देख रहे हो, आप आने वाले समय में क्या चाहते हो, है ना। क्या आज आप इन चीजों को छोड़ सकते हो ताकि आजीवन जब आप किसी शादी में जाएं, जब किसी फंक्शन में जाएं, तो आपके जाने से लोग खड़े होकर आपको सम्मान दें, या तो ऐसे बन जाओ। तो इसके लिए आज चीजें छोड़नी पड़ेंगी, तब जाके आपको आने वाले भविष्य में कहीं भी आप जाओगे तो आपको मान सम्मान की नजरों से देखा जाएगा और लोग आपसे मिलना पसंद करेंगे और आपका इंतजार करेंगे। और अगर आप आज सोचोगे कि मैं सारी चीजें मेंटेन कर लूं, क्योंकि देखिए क्या होता है, आप कभी भी 1-2 दिन की छुट्टी करते हो, आप कभी भी किसी फंक्शन में अटेंड करने के लिए चले जाते हो, आपकी क्लासेस छूट जाती हैं, आपकी प्रैक्टिस छूट जाती है, आपकी रिदम ब्रेक हो जाती है, जो एक अच्छी आपकी कंटिन्यूटी बनी थी वो टूट जाती है। और जब आप वापस आते हो तो पहले तो वापस से उस माहौल में ढलने में समय लगता है जो आपने अच्छे से पूरा बनाया था। तो अल्टीमेटली हम क्या होता है, नीचे चले जाते हैं। फिर हमें मेहनत आगे बढ़ने की नहीं करनी पड़ती है, फिर हमें मेहनत उसकी करनी पड़ती है जिस लेवल पर हम थे, पहले तो वहां वापस जाना पड़ता है। तो आपकी 1 या 2 दिन की जो छुट्टी है वो आपको 10 या 15 दिन पीछे धकेल देती है। और अगर आप थोड़े से सीरियसली सोचोगे तो आपको इस बात का समझ में आएगा कि हाँ सर ये सही बात है, बहुत पीछे आप हो जाते हो केवल छोटी छोटी गलतियों कारण। केवल क्यों, कि वो बुरा ना मान जाए, है ना। उन्होंने बहुत आग्रह करा, यार कोई भी होगा आग्रह तो करेगा ही ना, वो तो चाहेगा ही ना। कोई कौन नहीं चाहता कि उसके फंक्शन में और सब लोग ना आए, हर व्यक्ति चाहता है, आप भी चाहोगे। लेकिन हमें यह भी ध्यान रखना है कि हमारे जीवन में आज सबसे ज्यादा जरूरी क्या है। अगर कहीं ऐसी कोई चीज है जहां से हमारा खुद का भविष्य खतरे में है, तो फिर वहां पे आपको अपना पहले सोचना चाहिए, दूसरे का बाद में सोचना चाहिए, है ना। कल को कुछ नहीं बने, खूब अटेंड करो, कोई तकलीफ नहीं। कल को कुछ नहीं बने, तुम कहीं भी जाओगे तुम्हें कोई पूछने वाला भी नहीं है, इस बात को समझना, है ना। आप क्या हो, कितना बैंक बैलेंस है, लोग उसके हिसाब से बात करते हैं, ये एकदम जीवन का सत्य है, मैं आपको बता रहा हूं, है ना। आप कितना ही व्यवहार मेंटेन कर लेना, कितना ही लोगों की मदद कर देना, आखिरी में कोई भी उसकी वैल्यू नहीं करने वाला, कुछ 2-4 खास लोगों के अलावा। आप किसी के लिए कुछ भी कर देना, लोग सब भूल जाएंगे, है ना। आप कितने बड़े आदमी हो, आपकी पोजीशन क्या है, आप कितने अच्छे बड़े पद पर हो, लोग वो देखकर आपसे कल को बात करेंगे। और अगर आप बेरोजगार रहे, कुछ जीवन में नहीं कर पाया, आपको कोई पूछने वाला भी नहीं है, तुम 10-20 प्रोग्राम में जाओ, शादियों में जाओ, ये मैं आपको सत्य बता रहा हूं, जीवन का सत्य बता रहा हूं, जो आप अभी शायद ना समझ पाओ, लेकिन बाद में समझ में आएगा कि भैया कुछ बनने से ही लोग भाव देते हैं, ऐसे तो तुम्हें कोई पूछने वाला नहीं शादियों में तुमको, और बोलेंगे खाना परोसो, तुम तो यही काम के हो तुम, ठीक है। मतलब कुल मिला के उसको एकदम कठोर शब्दों में कहूं तो आपकी औकात देखकर लोग बात करते हैं, है ना। तो बाद में कुछ काम नहीं आता, कुछ बोया हुआ काम नहीं आता है, आप क्या हो वो काम आएगा। इसलिए कुछ बन गए तो बन गए, नहीं बने तो फिर तो बस, ठीक है, सबसे लड़ना पड़ता है। देखो कई लोग बोल रहे हैं सर हमारी फैमिली सपोर्ट नहीं करती, किसकी फैमिली सपोर्ट करती है, है ना। 10 में से 1 या 2 लोगों की फैमिली सपोर्ट कर दे तो बहुत बड़ी बात है, 8 से 9 लोगों की फैमिली सपोर्ट नहीं करती, लेकिन आपको लड़ना पड़ेगा, आपको प्रूफ करना पड़ेगा, है ना। तो यह कोई नई बात नहीं है कि मेरी फैमिली सपोर्ट नहीं करती, इसको रोना बंद कर दो, ठीक है। पहली चीज तो ये हमेशा ध्यान रखो कि जो इसको मैं बोलता हूं यूनिवर्सल फैक्ट, या इसको हम बोलते हैं सार्वभौमिक सत्य, ये फैक्ट है। अगर आप कुछ अलग काम करोगे, अगर आप कोई ऐसा काम कर रहे हो जहां सक्सेस नहीं मिल रही है, वहां कोई आपका साथ नहीं देगा, है ना। आप पढ़े जा रहे हो, एग्जाम आपके नहीं निकल रहे हैं या एग्जाम नहीं आ रहे हैं, तो रिश्तेदार बैठे हैं आपकी टांग खींचने के लिए, परिवार बैठे ही है कि क्या कर रहे हो यार, कुछ और कर लो, है ना। तो आपकी टांग तो हर कोई खींचेगा, आपको हर कोई क्रिटिसाइज करेगा, आपको हर कोई नेगेटिव चीजें कहेगा, हर कोई आपसे कहेगा तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता यार, क्यों पढ़े हो इन चक्कर में। लेकिन आपको उस बात को झेलना सीखना पड़ेगा। इन चीजों को बोलते हैं कि इनको अपने
मतलब एक कान से सुनो एक कान से निकाल दो और खुद से एक ही बात कहो कि प्रूव करके मैं बताऊंगा, कुछ बनके मैं आपको बताऊंगा और उस दिन बात करेंगे। कभी बहस मत करो, कभी किसी को पलट के जवाब मत दो, कभी किसी को प्रूव मत करो कि मैं ये बन जाऊंगा वो बन जाऊंगा, कुछ मत बोलो मेरी नजरों में जब तक कि वो व्यक्ति समझने लायक उसकी मानसिक क्षमता ना हो। मत लड़ाई झगड़ा करो अंदर खुद के अंदर, और उल्टी आग जलनी चाहिए कि ठीक है तुमने बोला है ना कुछ नहीं हो सकता तो अब रुको बन के दिखाऊंगा मैं, और एक नहीं पांच पांच नौकरियां लेके दिखाऊंगा तब तो मानोगे। तो मेरी नजर में मैं बोलता हूं बेस्ट रिवेंज इज सक्सेस, है ना। सबसे बेहतरीन बदला अगर लेना है तो वो है सफलता। कुछ बन जाओ वो हर चीज का बदला ले लेगा, ना तुम्हें कुछ बोलना पड़ेगा, ना किसी को तमाचा मारना पड़ेगा, ना खुद को प्रूव करना पड़ेगा, ना किसी से बहस करनी पड़ेगी। सक्सेस इज द बेस्ट रिवेंज।